हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं डाइन कुंड मंदिर। अगर दोस्तों आप डलहौजी आए हो तो यहाँ पे एक देखने लायक जगह है जो कि डलहौजी से जस्ट 13 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ट्रैकिंग का मज़ा मिलेगा, एक बढ़िया वेदर मिलेगा और बहुत ही शानदार देखने लायक नज़ारे मिलेंगे। और दोस्तों, सुबह के 10 बजे का टाइम हो चुका है और हम अपनी बाइक्स लेके डलहौजी अपने गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं डाइन कुंड मंदिर की ओर। दोस्तों, सारा रास्ता यहाँ एंजॉय करने वाला है, आप एंजॉय करते जाइए जैसे कि हम यहाँ पे करते जा रहे हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बाइक्स हमने पार्क कर दी हैं और अब हम जाएंगे माता के दर्शन के लिए। ये डाइन कुंड का रास्ता जो मेन एंट्रेंस है। ये हमारे फ्रेंड्स बाकी भी अमृतसर से, ये भी आज हमारे साथ आए हैं यहाँ पे दर्शन करने। और ये यहाँ पे बेटा एक बना रहा है मैगी। बेटा क्या क्या बनाते हो बताओ जरा। चाय है और कॉफी है। कॉफी है और बूटा। हाँ, ये काफी अच्छा लग रहा है मुझे। वापसी में हम जरूर ट्राई करेंगे, अभी लंबा रास्ता है। तो मिलते हैं बेटा फिर से, ठीक है। दोस्तों, आप यहां से व्यू देख सकते हो, यहां पे आर्मी बेस कैंप है। यहां पे सांसें फूल गई हमारी अभी। दोस्तों देखिए, आपको लग रहा होगा कि हमने शायद वहां पे जाना है, लेकिन अभी रास्ता और दूर है और मुश्किल भी है। हाँ जी दोस्तों, जैसे जैसे हाइट पे हम आते जा रहे हैं तो जो नज़ारा है कुदरती, जो नेचुरल व्यू है, वो तो बढ़ता जा रहा है और मज़ेदार होता जा रहा है। ये रास्ता और कठिन और मुश्किल होता जा रहा है। और ये हमारे बंदों की हवा थोड़ी टाइट हो गई है, ये ऊपर जाने की बजाय वापस नीचे आना शुरू हो गए हैं। और भाई साहब कैसे, हवा टाइट हुई? इधर इधर चलते हैं। और भाई साहब थोड़ा यहाँ पे काफी डेंजरस है, यहाँ कोई प्रोटेक्शन वगैरह नहीं है। अगर फिसले तो पता नहीं कहाँ पे जाके रुकेंगे, ये इसका कोई आइडिया नहीं है। ये आ गया जय माँ पोहलाणी। ये दूरी है 1300 मीटर, लगभग 1.5 किलोमीटर। भाई साहब नजारा बहुत ही जबरदस्त होता जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे एक ड्रम रखा है जिसमें हमें आग जलाई हुई पहले की दिख रही है। यहाँ पे स्नोफॉल लोकल्स का कहना है कि काफी होती है और रात को ठंड यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रात को आपको आग वगैरह जलानी जरूरी हो जाती है। हाँ जी दोस्तों, अभी हम इतनी चढ़ाई चढ़ के आए हैं और हमारे तो सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे हो गए हैं। तो चलो आगे हम आपको दिखाते हैं आगे का सफर, अभी लंबा रास्ता है। ऐसे इलाकों में लाइफ काफी मुश्किल है। देखिए, आप देख पा रहे हो कि आगे भैया एक आ रहे हैं हिल्स से ऊपर, एक LPG सिलेंडर उठा के अपने कंधों पे। भाई साहब हमें तो अपना पेट लेके नहीं चला जा रहा, ये भाई साहब सिलेंडर लेके आ रहे हैं और बैग भी उठाया हुआ है, काफी भारी भरकम। तो काफी टफ लाइफ है, स्टेमिना इनका अच्छा रहता है। और भैया कैसे हो? देखिए भैया, यहाँ पे आपको ट्रैकिंग का भी मजा मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो हमारे पीछे कच्चा रास्ता है और इस साइड आपको ये
एक स्लांटिंग प्लेटफॉर्म टाइप मिल जाएगा जहां पे आप दोनों रास्तों पे जा सकते हो, जो आपको प्रेफर्ड है आप ये ट्रैकिंग कर सकते हो, तो ये भी अच्छा है आपके लिए ऑप्शन। हम तो ट्रैकिंग की तरफ जा रहे हैं, चला जा नहीं रहा लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। तो चलो दोस्तों ट्रैकिंग के लिए चलते हैं। चलो जी, अरे भाई साहब जरा ध्यान से, रास्ता मुश्किल, यहां पे फिसले तो भाई चोट चोट लगने का खतरा है यहां पे। ओह अरे भाई साहब हमारे बस की बात नहीं है, ये हम पक्का रास्ता ही लेते हैं यहां से, पर ये भाई साहब फिर से बैठ गए। भाई साहब फिर से बैठ गए, क्या हो गया? हवा टाइट, हवा टाइट, इंडियन एयरबेस। हाँ जी हाँ जी, ये इंडियन एयरबेस है दोस्तों। पहले मैंने आपको बताया था कि ये आर्मी बेस कैंप है, लेकिन ये इंडियन एयरबेस हमारी आर्मी का है। बढ़िया नजारा है यहाँ पे, नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहाँ पे, आपके फोन्स यहाँ पे नहीं चलेंगे, ये थोड़ी सी दिक्कत है। हाँ जी फ्रेंड्स, चढ़ते आओ चढ़ते आओ, रास्ता मुश्किल और मंजिल दूर। अभी इस पॉइंट पे पहुंच के अभी हमें 1 किलोमीटर और आगे पैदल चलना पड़ेगा। ये यहाँ पे एक रेस्टिंग प्लेस ही बनी हुई है, आप रुक सकते हो यहाँ पे, कुछ आपने खाना है या कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी है तो ले सकते हो। हाँ जी भाई साहब, यहाँ पे रास्ते अलग अलग, यहाँ पे कुदरती नजारे भर भर के, मदर नेचर जिसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो ये दोस्तों एक मस्ट कम प्लेस है यहाँ पे, अगर आप डलहौजी आते हो तो यहाँ पे आना तो बनता है, बिल्कुल बनता है। यहाँ से फिर से अलग ट्रैकिंग रास्ता शुरू हो गया, आप इधर से भी जा सकते हो अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो। चलिए तो ये एक फ्लैट रास्ता भी है थोड़ा सा, यहाँ भी आप जा सकते हो। तो भाई साहब अभी हम अमृतसर वाले आलू परांठे वाले लोग तो फ्लैट रास्ता ही हम ज्वाइन करेंगे, दूसरा वाला हमारे बस की बात नहीं लग रही भाई साहब। तो अभी मक्खन भर भर के डाला था आते टाइम नाश्ते में, परांठे खूब अच्छे से हम खा के आए हैं, तो प्रेफर करेंगे ये प्लेन रास्ता। चलो जितना प्लेन निकल जाए उतना बेटर है, लेकिन अगर आप कुछ एडवेंचरस चाहते हो तो आप दूसरा रास्ता भी ले सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप अगर छोटे बच्चों के साथ आते हो तो थोड़ा ध्यान से आपको आना पड़ेगा, देख सकते हैं नीचे कि बहुत गहरी खाई है, यहाँ गलती से भी अगर कोई पैर फिसलता है किसी का तो भाई साहब लेने के देने पड़ सकते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। नेचुरल ब्यूटी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैं बता नहीं सकता आपको कि कौन से फूल हैं। तो ये देखिए पूरा का पूरा, नीचे आप खाई देख सकते हो कि फूलों से भरी हुई है, नेचुरल ब्यूटी यहाँ पे भर भर के भरी हुई है, ठूस ठूस के है। एक अच्छी जगह है डलहौजी के बाद विजिट करने के लिए। भाई साहब यहाँ से आप खजियार का रास्ता देख सकते हो, ये खजियार की ग्राउंड है जहाँ पे हमने शाम को जाना है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये है खजियार की वो ग्राउंड जो कि यहाँ की फेमस, जिसको यहाँ मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो लेट्स गो, वहाँ भी हम जाएंगे शाम को, लेकिन अभी फिलहाल आपको यहाँ पे मंदिर का दर्शन करवाते हैं। हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे रास्ता थोड़ा इस टाइम डे टाइम में अच्छा है, शाम को आपको यहाँ अवॉइड करना चाहिए आने, क्योंकि लोकल्स का यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे जो बेयर्स हैं, जो भालू वगैरह हैं, वो यहाँ पे कॉमनली देखे जाते हैं। तो अवॉइड करें कि आप सुबह जल्दी और शाम को यहाँ पे मत आए, क्योंकि अपनी सेफ्टी फर्स्ट। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमें अभी फ्लैट रास्ता मिल गया है, हम तो अभी भागते जा रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे
रास्ता एकदम से नीचे स्लांटिंग शुरू हो गई है, ढलान शुरू। यहाँ पे अभी कुछ फॉगीनेस क्लाउडीनेस शुरू हो गई है क्योंकि यहाँ पे शाम की आज बारिश बताई गई है। अभी फिलहाल तो सनलाइट है लेकिन शाम तक यहाँ पे बारिश के आसार हैं। देखिए क्लाउड्स इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा मौसम है अभी फिलहाल। और दोस्तों फाइनली मंदिर सामने आ चुका है लेकिन अभी रास्ता थोड़ा सा है पैदल, कोई नियर अबाउट 300 मीटर के आसपास रास्ता होगा। लेकिन यहाँ से मंदिर की विजिबिलिटी जो है वो शुरू हो गई है। ये रास्ता नया बनाया गया है, काफी फ्लैट है, जो यहाँ पे जो मंदिर के श्रद्धालु आते हैं उनके लिए बढ़िया रास्ता है ये रिसेंटली मुझे लगता है बना है, क्योंकि 2-3 साल पहले हम जब आए थे तो ये रास्ता यहाँ पे नहीं था। हाँ जी दोस्तों, 200 मीटर मंदिर का रास्ता। दोस्तों मंदिर के हम पास आते जा रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ पे व्यूज चेंज हो गए हैं। अब यहाँ अब जो हिल्स हैं वो हमारी राइट साइड पे आ गई हैं, काफी बढ़िया व्यू है यहाँ का भी। देखिए दोस्तों अब ये आपको बफलोज दिखा रहा हूँ, कुछ बैंसे हैं जो कि नॉर्मल साइज से काफी बड़ी लग रही हैं। यहाँ से पता नहीं आप कैमरे में ये कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ये नॉर्मल से काफी बड़ी भैंसे हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं मंदिर। और दोस्तों फाइनली हम करेंगे मंदिर में माता के दर्शन और उसके बाद यहाँ से हम अपना रिफ्रेशमेंट लेंगे और निकलेंगे अपने अगले सफ़र पे। और दोस्तों ये आज का हमारा आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। Thank you, friends.